सौतेली माँ और जादुई चूड़ियाँ। राजस्थान के छोटे से गांव में रागिनी अपनी सौतेली माँ वसुंधरा के साथ रहती थी। रागिनी के पिता की कुछ समय पहले गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी। वो चूड़ियाँ बेचा करते थे। पिता के गुजर जाने के बाद वसुंधरा रागिनी पर और भी ज्यादा अत्याचार करने लगी। वसुंधरा बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वो रागिनी से दिन रात काम कराने लगी। एक दिन की बात है, वसुंधरा रागिनी से बोली, रागिनी अब तेरे पिता तो रहे नहीं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तू एक काम कर, तू अपने पिताजी का चूड़ियाँ का ठेला ले जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। मुफ्त में बैठे बैठे तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, समझी? ठीक है माँ, मैं कल से गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचा करूँगी। अगले दिन से रागिनी चूड़ी का ठेला लेकर निकल पड़ी और गली गली जाकर चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ियाँ चूड़ियाँ, रंग बिरंगी नीली हरी पीली नग वाली चूड़ियाँ ले लो। ये कहते हुए वो चूड़ियाँ बेचने लगी और शाम होने तक उसकी चूड़ियाँ थोड़ी बहुत बिक गई। थकी हारी रागिनी शाम को घर लौटी। चूड़ियाँ बेचकर उसे जो पैसे मिले थे, उसने सारे पैसे सौतेली माँ वसुंधरा के हाथ में रख दिए। पैसे देखकर वसुंधरा गुस्से से बोली, इतने कम पैसे, लगता है तूने पूरे दिन भर चूड़ियाँ नहीं बेची, किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही होगी, कामचोर कहीं की। अगर पूरा दिन भर चूड़ियाँ बेचती तो ढेर सारे पैसे मिल जाते। माँ, मैंने पूरा दिन भर कड़ी धूप में गली गली जाकर चूड़ियाँ बेची है और एक पल भी आराम नहीं किया। अब ज्यादा चूड़ियाँ नहीं बिकी तो इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या कहा, खाना खुद जाकर बना ले, मैंने खाना नहीं बनाया। वैसे मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, तेरा ही इंतजार कर रही थी, चल जाकर मेरे लिए कुछ बना दे। बेचारी रागिनी पूरा दिन भर धूप में चूड़ियाँ बेचने के बाद घर आकर खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद वसुंधरा ने पहले पेट भर खाना खाया, उसके बाद जो खाना थोड़ा बहुत बच गया रागिनी को खाने को मिला। ऐसे ही दुखों से भरी रागिनी की जिंदगी कट रही थी। हर रोज सुबह रागिनी चूड़ियाँ बेचने जाया करती और शाम को आने के बाद घर का सारा काम किया करती। एक दिन रागिनी चूड़ी बेचने दूसरे गांव गई ताकि उसकी चूड़ियाँ ज्यादा बिक सके। तभी उस गांव में रहने वाली साधना नाम की लड़की उसके पास आई और बोली, ये लाल चूड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है, मुझे ये चूड़ियाँ चाहिए। तुम्हें जो पसंद है तुम वो चूड़ियाँ ले लो, ये चूड़ियाँ सिर्फ 20 रुपए की 12 है। पर बहन, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मेरे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, मैं अपनी चाची के साथ रहती हूँ और मुझे चूड़ियाँ पहनने का बड़ा ही शौक है, लेकिन वो मुझे चूड़ियाँ पहनने नहीं देती, बस सारा दिन भर मुझसे काम कराती है। ये कहकर साधना रोने लगी। उसकी बातें सुन रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने उसे फ्री में वो लाल चूड़ियाँ पहनने को दे दिए। कुछ देर बाद उस गांव के सभी औरतों ने उसकी सारी चूड़ियाँ खरीद ली, जिसकी वजह से उसकी बहुत अच्छी कमाई हो गई। ढेर सारे पैसे लिए रागिनी खुशी खुशी घर लौटी और अपनी सौतेली माँ से बोली, देखो माँ, आज मैं पड़ोस के गांव में चूड़ियाँ बेचने गई थी, वहाँ मेरी सारी चूड़ियाँ बिक गई, ये रही आज की कमाई। ये कहते हुए रागिनी ने खुशी खुशी सारे पैसे वसुंधरा के हाथों में रख दिए। रागिनी का मन बहुत साफ था, इसलिए उसने अपने सौतेली माँ से साधना को फ्री में दिए हुए लाल चूड़ियों के बारे में सारी बात बताई। रागिनी की ये बात सुनकर वसुंधरा गुस्से से लाल हो गई। क्या कहा, तूने उस लड़की को चूड़ियाँ फ्री में दे दिया? तुझे महान बनने का बड़ा शौक है, नाशपीटी तेरी मरी हुई माँ देकर नहीं गई थी चूड़ियाँ? मुझे वो चूड़ियाँ वापस चाहिए, नहीं तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी, समझी? ये कहते हुए वसुंधरा रागिनी को मारने लगी और साधना को दी हुई चूड़ियाँ वापस लाने को कहने लगी। रागिनी दुखी होकर गांव के पास एक नदी किनारे जाकर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी,
भगवान जी, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? उस बेचारी को चूड़ियाँ देकर क्या कुछ गलत किया? उस मासूम लड़की को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था और उसकी चाची भी उस पर बहुत अत्याचार करती थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगर मैंने चूड़ियाँ वापस लाकर माँ को नहीं दी तो वो मुझे घर में रहने नहीं देगी। माँ, पिताजी, आप देख रहे हैं ना अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार को? आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे भी अपने साथ ले गए होते। ये कहते हुए रागिनी रोए जा रही थी। तभी वहीं से गुजर रही एक जादूगरनी उसकी सारी बातें सुन लेती है। उसे उस पर बहुत दया आ गई। वो रागिनी के पास गई और बोली, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। गरीब और मासूम लोगों की मदद करना तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये बात पता था कि अगर तुम उसे फ्री में चूड़ियाँ दोगी तो तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ इसकी सजा देगी। फिर भी तुमने इस बात की परवाह नहीं की और तुमने उस लड़की को फ्री में चूड़ियाँ दे दी। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी का नहीं होता बेटी, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई लाल चूड़ियाँ दे रही हूँ। इससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रागिनी जादुई चूड़ियाँ पाकर बहुत खुश हुई और जादूगरनी का धन्यवाद कर खुशी खुशी चूड़ियों को लेकर घर वापस लौटी। रागिनी के हाथों में इतनी सुंदर लाल रंग की चूड़ियाँ देखकर वसुंधरा बोली, क्यों रे मनोज, तेरे पास इतनी सुंदर लाल रंग की चूड़ियाँ कहाँ से आई? कहीं तो आधे पैसे अपने पास बचाकर अपने लिए इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ तो नहीं खरीद रही? सच बता, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चूड़ियाँ तो मैं साधना से वापस लेकर आई हूँ। अच्छा, तो ये वही लाल चूड़ियाँ हैं? तू इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ उस लड़की को फ्री में देकर आ गई थी? करमचली कहीं की, अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाके मेरे लिए चाय बना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और हाँ, कुछ खाने के लिए बना ले, भूख लग रही है। वसुंधरा के कहने पर रागिनी रसोई में चली गई, मगर रागिनी को कुछ भी करना नहीं पड़ा क्योंकि रसोई में पहले से ही चाय और खाना बन चुका था। ये देख रागिनी मन ही मन बहुत खुश हुई और जादुई लाल चूड़ियों का धन्यवाद करने लगी। अब जब भी रागिनी की सौतेली माँ उसे कोई भी काम करने को कहती, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उसका सारा काम जादुई लाल चूड़ियाँ मिनटों में कर दिया करती। एक दिन वसुंधरा आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी, तभी उसने रागिनी को आवाज देते हुए कहा, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ, मैं अपनी सहेली की पार्टी में जा रही हूँ। जल्दी से मुझे लाल चूड़ियाँ ला कर दे, मैं उन्हीं चूड़ियों को पहनकर जाऊंगी। माँ, क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूँ? मैं कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई। आप एक मिनट रुको, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। मेरा भी बड़ा मन है पार्टी में जाने का। क्या कहा तूने? मैं तो जैसे चूड़ी बेचने वाली को अपने साथ पार्टी में लेकर जाऊंगी। तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, समझी? इस घर के मालकिन बनने की सोचना भी मत। अब जल्दी से लाल चूड़े लाकर दे मुझे, समझी? और मेरे आने तक घर का सारा काम भी खत्म हो जाना चाहिए। वसुंधरा की बात सुनकर रागिनी का दिल टूट गया और वो जादुई लाल चूड़ियाँ लाकर वसुंधरा को पहनने के लिए दे देती है। जैसे ही वसुंधरा ने जादुई लाल चूड़े पहनी, उसके हाथों से खून निकलने लगा और वो दर्द से चिल्लाने भी लगी, मनहोश लड़की, ये तूने मुझे कौन सी चूड़ियाँ लाकर दी है? तूने इन चूड़ियों में कौन सा काला जादू कर रखा है? बता मुझे, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। ये कहते हुए वसुंधरा रागिनी पर चिल्लाने लगी। तभी लाल जादुई चूड़ियों में से आवाज आई, मैंने तुम्हारे जैसे निर्दयी औरत आज तक नहीं देखी। रागिनी बेचारे कड़ी धूप में चूड़ियाँ बेचा करती है और घर आकर घर का सारा काम भी अकेले करती है, और सिर्फ उसने तुम्हारे साथ पार्टी में जाने के लिए कहा। तुमने उसे इतना भला बुरा कहा, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन रागिनी से अपने सौतेली माँ की तकलीफ देखी नहीं गई। फिर वो जादुई चूड़ियों से विनती करने लगी, जादुई चूड़ियाँ, कृपा करके मेरी माँ को माफ कर दो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरे साथ आज तक जो भी किया, मैं सारी बातें भूल गई हूँ। ये जैसी भी है मेरी माँ है, प्लीज मेरी माँ के हाथों को ठीक कर दो, उनके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। रागिनी, तो
तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं इस दुष्ट औरत को माफ कर देती हूँ। ये कहते हुए जादुई चूड़ियाँ वसुंधरा के हाथों को ठीक कर देती है। वसुंधरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर वो रागिनी से माफी मांगते हुए बोलती है, रागिनी बेटा, तूने मुझे माफ कर दिया। मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, लालच में आकर तुझसे इतनी छोटी उम्र में चूड़ियाँ बेचने भेजा और तुझसे घर का सारा काम भी करवाया, ढंग से खाने को भी नहीं दिया, फिर भी तूने मेरी आज जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। माँ, गलती इंसान से ही होती है। आपको अपने किए पर पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से वसुंधरा रागिनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। कुछ ही दिनों में जादुई लाल चूड़ियों की मदद से रागिनी बहुत अमीर हो गई। इस तरह रागिनी का जीवन जादुई चूड़ियों ने खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।